कहाँ पे जा रहे हो? वो मैं इधर मेरा काम पे जा रहा हूँ। पर तुम्हारी कंपनी तो बाहर के देश में है ना, यहाँ पे थोड़ी है। हाँ पर साइबर क्राइम में आऊँ। साइबर क्राइम नहीं, क्या होता है वो? साइबर कैफे, उसमें मेरा काम है। तो क्या अभी नेट नहीं चल रहा ना घर? मेरा नेट तो चल रहा है। चल रहा है तुम्हारा? मेरा नहीं चल रहा। मैं कुछ नहीं करती। ये लो तुम्हें काम है ना, इसके ऊपर करो। नहीं नहीं तुमको देखना होगा ना कुछ कुछ। तुम दे। मैं कुछ नहीं देखती। सुमो मुझे जाने दो, इम्पोर्टेंट काम है मेरा। प्लीज आ, प्लीज। ठीक है जाओ, जल्दी आना। जल्दी नहीं आऊंगा। चाचा जी सब कुछ सेट हो गया। हाँ सब कुछ सेट हो गया, अब बस प्रवीण की सुशीला का, प्रवीण और सुशील का वेट है। आपने वॉचमैन को क्यों नहीं बुलाया? मैं उसको बुलाना चाहता था, पर वो जैसी उसकी शादी हो गई है ना, बदल गया है वो, बहुत बदल गया है वो। निशांत पहले जैसे रहा नहीं, इसलिए मैंने उसको बुलाया नहीं। तू भी शादी के बाद बदलेगा? ना ना मैं बिल्कुल नहीं बदलूंगा शादी के बाद, मैं ऐसा ही रहूंगा। सब ऐसा ही बोलते हैं, सब बोलते हैं, मैं भी बोलता था, तीन बार बदल गया, अब बदलने का मौका ही नहीं मिल रहा। ओ या सुशील भाई आ गए। सुशील भाई कम कम आ गया चुचुंदर। या मैं आ गया, मुझे पता है मैं कैसे आया हूँ। परमिशन ही नहीं दे रही थी वो, उसको शौक हो गया। सुमो बोल रही थी नहीं जाने का नहीं जाने का, ये मेरे पास इंटरनेट है, ये मेरे पास है। मैंने कहा जाने दो, तुम जाती हो किटी पार्टी करने, कभी तो हमें करने दो किटी पार्टी। क्या पहनने वाली है वो? रेड पहनने वाली है। अच्छा आप एक काम कीजिए ना, ये रेड मरून पिंक करने से अच्छा है मुझे पिक्चर भेज दीजिए, मैं देखती हूँ, फिर उसके हिसाब से मैं पैलेट चूज करूँगी। ओके मधुरा। हाँ साला आप उनकी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। मेहंदी के लिए ब्लैक, ओके। एंड सगाई के लिए क्या करना है? मधुरा मैं आ गई। बात कर रही हूँ मैं, व्हाट नॉनसेंस। हाँ आप मुझे जितने भी लेंगे वो साड़ी हो व्हाटएवर जो भी पहनने वाली है वो सब मुझे एक बार सेंड कर दीजिए। ओके फिर मैं अपने हिसाब से पैलेट चूज करती हूँ, फिर अपने हिसाब से मैं देखती हूँ मुझे क्या चाहिए मेकअप के लिए। फास्ट जल्दी भेजना सर। आइए। दुल्हन लेके आई हूँ मैं, दुल्हन। क्या बात कर रही हो, दुल्हन लेके आई हो आप? हाँ एक मिनट जल्दी कम। ओ ये तो पहले भी आई थी राइट? ये होने वाली ब्राइड है। करना है इनका भी शादी लुक है क्या? इतनी जल्दी काहे की शादी, पहले सगाई होती है, यू डोंट नो। सगाई तो आज ही है सगाई? नहीं नहीं सगाई भी नहीं है अभी, सगाई का पहले वो करना होता है थोड़ा सा। अच्छा तो आप पैम्परिंग के लिए आए हो, लाइक वैक्सिंग थ्रेडिंग ऑल सब पहले? हाँ पैम्परिंग। या बैठिए बैठिए। भेज गई मैं, सॉरी। सुगंधा जी क्या कर रहे हो आप, बदाम खा रहे हो क्या वहाँ पे? आ जाइए, मेरी साथी आई है। तमाशा है क्या जो देखना है सबको? नहीं तमाशा नहीं, उनका भी करना है एक्चुअली। बाहर बैठे ना फिर, नंबर लगाइए बाहर, हम बाकी कस्टमर्स भी बैठते हैं ना, भले ही आप एक ही घर के हो पर बाहर जाके बैठे क्या है, मुझे डिस्टर्बेंस बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं और कस्टमर वन टू वन हूँ बस, मुझे और कोई नहीं चाहिए। बैठने दीजिए ना, अभी हम एक ही सोसाइटी में रहते, घर जैसा है। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो उसकी जिम्मेदार आप होंगे। हाँ मैं लेती हूँ जिम्मेदारी। क्या करना है आपको? पहले मेरा ब्लीच कीजिए। अभी सगाई है ना आपकी, डायमंड फेशियल कीजिए ना, बेस्ट रहेगा आपके ऊपर। मेरी सगाई में जितने भी आते हैं ना सबको डायमंड फेशियल, हल्दी के लिए होता है गोल्ड फेशियल, और शादी के लिए मैं करती हूँ प्लैटिनम। ना मुझे फेशियल नहीं करना, मुझे ओनली ब्लीच करना है। नहीं करना है फेशियल? क्यों? ओनली ब्लीच। चलो ठीक है ब्लीच करती हूँ मैं आपको। ओ हाय प्रवीण ब्रो, तुम्हारा इंतजार था, कब से मैं वेट कर रहा हूँ, कहाँ रह गए थे तुम? भाई साहब पूछो मत मैं कैसे आया हूँ, ये शर्मिला ऊपर से लटक के देख रही है नीचे मैं कहाँ जा रहा हूँ, इतना छुप छुप के आया हूँ मैं। और बेबी होकर लफड़ा ही वही होता है, चक्कर ही उनको समझ में ही नहीं आता हमारी भी कोई लाइफ है कि नहीं। खुद जाती हो शॉपिंग करने, ब्यूटी पार्लर, ये वो, कभी तो हमें मौका मिलता है काम करने का, वो भी ठीक से करने नहीं देती। ए रॉकी चल शुरू कर। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत ज़्यादा खुशनसीब हूँ एंड आई एम वेरी लकी, जो कि मेरी शादी जेनी से हो रही है, और शादी से पहले होने वाली सगाई के लिए आपको मैं ये पार्टी दे रहा हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस ब्रो, अभी हमको दो। वेट सुशील ब्रो, पार्टी को शुरू करने से पहले मैं मेरी जेनी से कॉल करता हूँ, बिकॉज ये पार्टी उसी की वजह से हो रही है। वो भी आ रही है क्या? नो वो नहीं आ रही, वो ऐसी नहीं है। ओके
ए ससी मैं हूँ। नहीं फॉरेन के लोगों का कोई भरोसा नहीं। नो नो जेनी बहुत अच्छी है, वो वैसी नहीं है। बुरे तो हम हैं, बुरे तो हम हैं। आप तो इतने बुरे हो कि आपको लड़की ही मिली नहीं। अरे कमीने, अपनी बीवी की जरा रिस्पेक्ट कर। तुझे क्या पता बीवी ना होने का गम। ये मेरी दीदी ने दिया है, अभी ऑनलाइन भेजा। अभी सगाई है ना कल, तो बोली कि बालों को लगाओ, बहुत शाइनी शाइनी बाल हो जाएंगे। बिकॉज सगाई की वजह से मैंने सोचा लगाती हूँ। क्या सारे मजे ही खत्म हो गए? हाँ वो बात तो है, सब मजे ही खत्म हो गए। मेरे चिप्स वेट कर रहे कब से, निकलने का मौका ही नहीं मिल रहा। जाने दो, अभी होगा फिर से कुछ धमाका, वेट करते उसका। आ गई तुम फिर से अपने इंडिया में? मैं तो इंडिया में ही थी, तुम ही जॉनी के साथ फॉरेन के चक्कर लगा रहे थे। अच्छा, रॉकी के साथ कौन विदेश जाने का सोच रहा था? बदमाश, बदमाश। हाँ, अगर तुम दोनों का हो गया हो तो सगाई की तैयारी करें, कल सगाई है, बहुत कुछ कुछ करना है। थ्री इडियट्स एक हो गए। एक तो होंगे, एक दूसरे के बिना कौन है इनका। अरे हाँ, उनकी सगाई की तैयारी तो हमें ही करनी पड़ेगी, हमारे पास ही वो डिपार्टमेंट, सारी सजावट, सारा डेकोरेशन, सब कुछ हमें करना पड़ेगा। सबसे पहले तो डेकोरेशन लाना पड़ेगा। उसकी चिंता मत करो, सब डेकोरेशन का सामान आ गया है, बस फोड़ना बाकी है। कभी तो अच्छा बोल लिया करो, डेकोरेशन फोड़ना क्या फोड़ना, डेकोरेशन खोलना है या फिर डेकोरेशन करना है, ऐसा बोलो। ओहो आप बड़ी समझदार हो, चलिए आप ही कीजिए डेकोरेशन, आप भी आइए। जो है मैडम, क्या काम होता है वैसे भी दोनों को। क्या बोला उसने? कहा हमको कोई काम नहीं होते। अच्छा तुम्हें बड़े काम होते हैं, हफ्ते में चार दिन तो सोसाइटी में रहते हो। तो मेरा काम ही वैसा है मैडम। बढ़िया है, बदमाश, बदमाश टू। बराबर तो बोल रहे बेचारा, कहा कुछ काम होते दोनों को। क्या हो रहा है सुमित्रा जी, बड़ी हंस रही हो आप? जोया तुम्हारे पेट में क्यों दुख रहा है? मेरे कोई पेट में नहीं दुख रहा, एक दिन आपका मुंह दुख जाएगा ऐसे हंसते हुए। ये शुरू कर जल्दी। बेबी आंख बंद कर दो। ओके वन मिनट, अब मेरा बेबी कॉल कर रहा है। हाँ बोलो, व्हाट आर यू डूइंग बेबी? अभी तो मैं ब्यूटी पार्लर में हूँ। व्हाट आर यू डूइंग? मैं फुटबॉल का मैच देख रहा हूँ वापस रिप्ले। फिर से हाइलाइट्स देख रहे हो? पागल हो गए हो क्या तुम? फुटबॉल के हाइलाइट्स? सच में यू आर सो बिग फैन ऑफ फुटबॉल राइट? नो बेबी, मैं सबसे बड़ा फैन तुम्हारा हूँ। आई एम योर बिगेस्ट फैन। एंड फैन फैन, अरे इधर भी जरा ध्यान दो। शट अप, आई एम आल्सो बिग फैन ऑफ यू। ए बच्चा, आई डोंट हैव दैट मच टाइम, प्लीज फोन रख दो अभी। अच्छा रॉकी में रखती हूँ, वो मेरा ब्लीच करने वाली है तो भी। हाँ ओके, क्लोज योर आईज एंड जस्ट सिट, टेक अ डीप ब्रीथ। ओके मेरा कॉल हो गया है, अब हम करते हैं हमारी पार्टी शुरू। भाभी बोल शीला, कल रॉकी और शैनी की सगाई होने वाली है, मैं कौन सा कलर पहनूं? तुझे जो पहनना है वो पहन, अगर मैं कुछ बताऊंगी तुझे मेरा पसंद आता है? कभी आता ही नहीं तुझे मेरा पसंद, तो मैं क्यों बताऊं? ऐसी कोई बात नहीं भाभी, आप बता दो ना मेरे ऊपर क्या जचेगा। अभी देख उनकी सगाई है ना, और मैंने सुना है कि वो वेस्टर्न स्टाइल में करने वाले हैं, तो तू ना मुझे ऐसा लगता है बादामी कलर पहन, बादामी अच्छा दिखेगा तेरे ऊपर। ओ नो भाभी, बादामी मेरे ऊपर अच्छा नहीं दिखेगा, मेरे लिए थोड़ा डार्क कलर चाहिए। देख मैंने पहले लिखा था तुझे मेरी चॉइस पसंद नहीं, तो क्यों पूछती मुझसे, अपने हिसाब से पहन। अम्मी क्या हुआ? अरे पापा कहाँ गए? पापा जॉगिंग के लिए गए, पर उनकी आवाज़ तो चाचा जी के रूम में से आ रही थी। हाँ हाँ, उनके साथ साथ अनुषा के पापा, रॉकी अंकल, उनकी भी आवाज़ आ रही थी। पता नहीं क्या, बहुत जोर जोर से हंस रहे थे एंड कुछ कर रहे थे, और ना मुझे ऐसी बॉटल खुलने की आवाज़, ऐसे ग्लासों की आवाज़ भी आ रही थी। क्या बात कर रहे हैं, और कुछ खा भी रहे थे ऐसे भी आवाज़ आ रही थी। खाएंगे भैया मार, कैसा है रे तू? मैं तो साफ हूँ, मेरे मन में कुछ नहीं रहता, मेरा दिल भी साफ। सुमित्रा, ओ सुमित्रा। क्या हुआ शर्मिला? सुशील भाई का है, काम के लिए गए, विदेश की कंपनी है ना उनकी, ब्रांडेड काम होता है। कोई ब्रांडेड काम के लिए नहीं गए, चल चके कर गए। बात कर रही हूँ,
हाँ हमारे ये भी वही पे गए। अरे प्रोग्राम चल रहे उनका चाचा के घर पे। सगाई के पहले क्यों कर रहे? सगाई के बाद करनी चाहिए थी ना सुमित्रा। क्यों कर रहे पर ऐसा करना ही नहीं चाहिए। चलो चलो ब्लीच हो गया अभी वैक्सिंग कर दे। वैक्सिंग? आप क्यों डर रहे हो? आपकी करनी है तो बीच में मत बोलिए। आप बहुत आदत है आपको बीच में बोलने की। आराम से आओ हंसो मत। शर्मिला मैंने तुमको कितनी बार बोला है मेरा मुंह ही वैसा है। ओह नो प्रवीण ब्रो यू आर टेकिंग सो मच ब्रो। इतना मत ले तू ज्यादा हो जाया। अभी मैंने थोड़ा सा ही लिया वो पूरा पूरा कर रहा हूँ। अभी तो मैंने शुरुआत की है ये तो एक ही है मेरे से चार पांच घटक सकता आज। वो तो अच्छा है सासुमा घर पे नहीं है। कहाँ पे गई है तुम्हारी सास? ब्यूटी पार्लर गई है तुम्हारी सास के साथ। ये सासुमा को भी ना खुद तो डूबती है दूसरों को भी ले डूबती है। कितनी बार प्रॉब्लम है ब्यूटी पार्लर में सुनती नहीं किसी की। रॉकी भाई की सगाई है होना चाहिए। वैसे भी ये हमारी बीवी है कहाँ हमें करने देती है। इतने दिनों बाद मौका मिला है आज ही तो आज ही सबसे ज़्यादा मौका है। आज के बाद मौका नहीं मिलेगा फिर। मुझे ऐसा लगता है हमें इन्हें माफ कर देना चाहिए। हाँ सच बोल रहे हो तुम। करने दो एंजॉय। मिला है मौका इतने दिनों बाद अभी है सगाई अच्छा मौका है उनकी उनकी खुशियाँ है करने देते हैं। ठीक है करने देते हैं एंजॉय। चलो क्या ये पछताने वाले हैं हम भी पछता रहे अभी ये शर्मिला। ए रुको क्या मेरे बारे में कुछ बोल रहे? आगो भाई आगो भाई बाय 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 बाय। अरे कितना बाय बाय कर दिया तू सुशील भाई। ए भाई दिन में वो कर दिया सो बार कर दिया सो गया मेरे को हजार बार कर दिया। आगो भाई क्या होता है भाई। ए भाई 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 सुमो की आवाज ज्यादा हो गया मुझे उसकी आवाज भी सुनाई देने लगे। क्या डरावनी हंसी है उसकी। रात को भी कभी कभी करती हो वो। इनको माफ नहीं करेंगे ससुर जी को बता देंगे। आओ लैला हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? ओ लिसन भाग गई भगोटी। ससुर जी जाओ दे कुछ मत करो। नहीं सुन भाई मुझे रोको मत जाने दो मुझे। अभी मजा आएगा ना बेडू। संस्कारी बहू के अंदर छुपी है विलन। ये मेरे पापा होंगे। मैं खोल दूँ? मत खोल। अरे वो समाज सेवक प्रकाश होगा मेरा दोस्त। उसको बड़ी चिंता है समाज की। वो सरपंच आमदार खासदार बन जाता उधर करता समाज सेवा सोसाइटी में बैठ के कर रहे वो। मैं खोल दूँ? क्या कड़े हमको नहीं जमेगा ये ब्लीचिंग बुचिंग। भागता का है तो भाई 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 शर्मिला सुबह डाल रहे सुगंधा जी। ओ सुगंधा जी आओ इन दोनों को पकड़िए पार्टी करके भाग रहे हैं। कौनो पार्टी किए थे सुशील। हमको पीनी है पीनी है। नहीं नहीं हमको अभी और नहीं पीनी।